अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सना शो। सो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। माय यूट्यूब माय क्यूट फैमिली। जी व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को विटामिन सी सीरम बनाना बता रही हूँ, जिसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और ये सीरम आपकी स्किन को ग्लो करेगा, आपकी स्किन पर शाइन लेकर आएगा। आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इस सीरम के हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा, ये हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैं आप लोगों को आगे चलकर बता देती हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में ऐड करनी है इस सीरम को बनाने के लिए। हमें एलोवेरा चाहिए, एलोवेरा को आप लोगों ने अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने इसका छिलका उतार लेना है। इसका छिलका उतारने के बाद आप लोगों ने इसकी जेल निकाल लेनी है। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने जेल निकाल लिया है। अब आप इसको ग्राइंड करना चाहें, ग्राइंड भी कर सकते हैं। अगर आप बाजारी एलोवेरा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जी घर के प्लांट यूज़, एलोवेरा का प्लांट यूज़ किया है। अब मैंने इसको जो है अच्छी तरह इसका इसको जूसी कर लिया, इसको जूसर में डालकर इसको अच्छे से ब्लेंड किया है और ये मेरे पास जो है जूसी फॉर्म में आ गया है। मुझे यहाँ तकरीबन जो है 50 ml, जो अगर आप लोग इसको 1 week के लिए बनाकर रख सकते हैं, 50 ml आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेना है, ठीक है। एलोवेरा जेल चाहे प्लांट वाला हो, चाहे आप लोग बाजारी यूज़ करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर प्लांट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और मैंने इसका जो है जेल जो है इसको अच्छे से ब्लेंड किया है ताकि मुझे जूसी फॉर्म में मिल जाए। दूसरी चीज़ जो हमारे पास है यहाँ पर एप्पल विनेगर है। इसके बाद ये मेरे पास है गुलाब का अर्क, जो मैं आज सीरम बनाने के लिए चीज़ें ऐड कर रही हूँ। वो मेरे पास सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। इन 3 इंग्रेडिएंट्स की हेल्प से मैं अपना सीरम रेडी करूँगी। हमें क्या चीज़ कितनी क्वांटिटी में चाहिए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग एक खाली बाउल ले लें जिसके अंदर हमने सीरम को रेडी करना है। तो आप लोगों ने जो है सबसे पहले इसके अंदर जो है एलोवेरा के 4 टेबल स्पून आप लोगों ने एलोवेरा जेल ऐड करना है। मैं ये 1 week का सीरम आप लोगों को बनाना बता रही हूँ, विटामिन सी सीरम। 4 टेबल स्पून आप लोगों ने एलोवेरा जेल लेना है और इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर रोज़ वाटर के भी 4 टेबल स्पून ऐड करने हैं, ठीक है। रोज़ वाटर भी आपने इसमें 4 टेबल स्पून ऐड करना है। आपको पता है ये हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है रोज़ वाटर। अगर हम उसको ऐसे ही डेली रूटीन में यूज़ करें तब भी हमारी स्किन शाइन एंड ग्लो करेगी जी। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एप्पल विनेगर। एप्पल विनेगर अगर आप लोगों को सूट करता है तो आप लोग इसके अंदर ऐड कर दें, अगर नहीं सूट करता तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 स्पून जो है एप्पल विनेगर के इसमें ऐड कर दी है। ये मेरा जी ग्लोइंग सीरम रेडी हो गया है, विटामिन सी सीरम। ये आपकी स्किन को ग्लो देगा, शाइन लेकर आएगा। और अगर आपकी स्किन पर आपकी स्किन डैमेज हो गई है या आपकी स्किन पर ब्राउन स्पॉट्स पिगमेंटेशन है तो आहिस्ता आहिस्ता ये सीरम यूज़ करने से आपकी स्किन पर से ये तमाम चीज़ें जो है रिमूव हो जाएंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो हमारा जो है सीरम रेडी हो गया है। अब आप लोग इसको किसी भी स्प्रे बोतल में डालकर इसको फ्रिज में रख लीजिए और इसको ठंडा ठंडा फेस पर अप्लाई कीजिए और देखिएगा कि इसको अप्लाई करने से आप लोगों को कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, मैं अब आपके साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि इस सीरम को कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसको वो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो, वो इसको यूज़ मत करें। और जिनकी स्किन फटी हुई स्किन हो वो भी इसको स्किन पर यूज़ नहीं करें। एक्नी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, ये एक्नी को बहुत जल्दी से रिमूव कर देगा।
और ये ग्लोइंग सीरम है आपकी स्किन को लिफ्ट करने में आपकी हेल्प करता है। आप इसको डेली अप्लाई कीजिए, रिजल्ट्स अमेजिंग है। 7 डेज़ के लिए आप स्टोर कर दें, 7 डेज़ के बाद आप इसको न्यू बनाएंगे, ठीक है। और इसको फेस पर आप लोग इसको ठंडा ठंडा यूज़ कीजिए। अच्छा, मैं आज इस सीरम के साथ एक छोटी सी टिप लेकर आई हूँ कि जिन लोगों को मसलों की प्रॉब्लम होती है, स्किन पर मसले निकल आते हैं तो वो झड़ नहीं रहे होते, तो आप लोग जो है एलोवेरा का छिलका, एलोवेरा जो प्लांट होता है उसका छिलका, जेल निकाल कर जो छिलका रह जाता है वो, और इसके अलावा केले का छिलका, ठीक है, केले का छिलका, एलोवेरा का छिलका और केले का छिलका, इस दोनों छिलकों को मिक्स करके पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को 7 डेज़ तक अपने मसलों पर अप्लाई कीजिए। आप देखिएगा कि 7 डेज़ के अंदर अंदर आपके जो है मसले झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर 7 डेज़ तक नहीं हो तो आप इसको 15 डेज़ तक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको डेली अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है एलोवेरा का छिलका गोश्त गलाने के काम भी आता है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक छोटा सा बेल आइकॉन है इसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तब बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में